आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। थाने में बिग ब्रदर बनना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, कर दी ऐसी डिमांड, टेंशन में भाजपा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब ठीक एक महीने बाद मतदान प्रक्रिया होने वाली है। अभी भी सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़े के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। सीटों के आवंटन को लेकर महायुति में अभी भी खींचतान जारी है। कुछ जिलों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अधिक सीटें चाहती है। ठाणे जिले में सबसे अधिक सीटों के साथ शिवसेना शिंदे गुट बड़ा भाई बनना चाहता है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर जोर दिया है। ठाणे जिले में कुल 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें से 10 सीटों पर शिंदे गुट ने दावा किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को 6 सीटें और अजीत पवार ग्रुप को 2 सीटें दी जाएंगी। बीजेपी का इनकार, ठाणे जिले में फिलहाल 8 बीजेपी विधायक हैं, इसलिए बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों का क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट ने राज्य की अन्य 2 सीटें बीजेपी को देने की तैयारी दिखाई है। हालांकि राजनीतिक हलके की नजर इस बात पर भी है कि क्या बीजेपी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में ठाणे जिले की 18 में से 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, तो शिवसेना ने 6 सीटें जीती। एमएनएस, एसपी और निर्दलीय ने एक एक सीट जीती और एनसीपी ने 2 सीटें जीती थी। किसे कौन सी सीटें चाहिए? शिवसेना शिंदे गुट भिवंडी ग्रामीण, शाहपुर, कल्याण ग्रामीण, अमरनाथ, कल्याणपुर, कल्याण पश्चिम, ओवला, मजीवाड़ा, कोपरी, पचपखाड़ी, मुमड़ा, कलवा, एरोली। भाजपा एरोली, बेलापुर, ठाणे शहर, मीरा भाईंदर, डोंबिवली, उल्लासनगर, मुरबाड़, भिवंडी पश्चिम। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट, अजीत पवार समूह ने भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम, उल्लासनगर, मुमड़ा, कलवा, मुरबाड़, शाहपुर में सीटों पर दावा किया है, लेकिन खबर है कि महागठबंधन में शामिल अन्य दलों ने उन्हें सिर्फ 2 सीटें देने की तैयारी दिखाई है। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।